रामगढ़ ब्लॉक के प्यूड़ा स्थित दियारी गांव में मौजूद लीसा फैक्ट्री में मंगलवार शाम को अचानक आग भड़क गई और देखते ही देखते लाखों का लीसा और बिरोजा आग की भेंट चढ़ गया। वन पंचायत सरपंच भीम बिष्ट ने बताया कि शाम लगभग 5:30 बजे लीसा फैक्ट्री में लीसे का संशोधन चल रहा था। कुछ कर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन इसी बीच किसी कर्मी की लापरवाही से अचानक आग तेज भड़क गई और आग ने पास रखे लीसे और बिरोजे के ड्रम को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों का लीसा और बिरोजा स्वाहा हो गया। इस बीच लीसा फैक्ट्री संचालक हीमानंद शर्मा भी सूचना पाते ही मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में ग्रामीणों और नवयुवकों ने डिपो के अंदर रखे 30 से 40 लीसे की टीने और बिरोजे से भरे ड्रमों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास रह रहे लोगों की सांसें अटक गईं और पूरा वातावरण धुएं की काली चादर से ढक गया। हालांकि समय रहते युवकों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया, वरना पास मौजूद 2 मकानों को खतरा हो सकता था। वहीं अल्मोड़ा और नैनीताल से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री संचालक हीमानंद का कहना है कि आग से कितना नुकसान हुआ है इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजे के मुताबिक नुकसान का आंकड़ा करीब 10 लाख तक पहुंच सकता है।